दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी भाई में। और आज का जो दोस्तों वीडियो है मैं आपको लेके चलने वाला हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पर, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा सेमी कमर्शियल प्लॉट। इस वीडियो के अंदर सेमी कमर्शियल प्लॉट कुछ आ रहे हैं सेक्टर 18 के अंदर, और उसके अलावा मैं आपको फिल्म सिटी का एक्चुअल टूर दूंगा, एक्चुअल लोकेशन पे जाके क्या अभी स्टेटस है। सेक्टर 20 का इसमें आपको मैं टूर दूंगा, क्या कंस्ट्रक्शन स्टेटस अपडेट है अभी और क्या रेट है अभी, वो सारी के अंदर भी सेमी कमर्शियल के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो वो भी आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। साथ में ही मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा ऊपर, वहां पे मैंने ऑलरेडी यमुना के अलग अलग सेक्टर्स का अपडेट दिया हुआ है, अलग अलग लोकेशंस दिखाई हुई हैं, कंस्ट्रक्शन अपडेट वगैरह है, तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं। और एक पूरी प्लेलिस्ट है वीडियो के बाद में आपको दिख जाएगी, पूरी वीडियो देखिएगा उसमें आपको सारे डिटेल मिलेंगी और सारा स्टेटस वगैरह दिखाऊंगा मैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन की वीडियोस लेके आता रहता हूँ, प्रॉपर्टीज की, प्रोजेक्ट्स की रिव्यू करता हूँ, एडवाइस देता हूँ लोगों को, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर नए हैं आप। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये है सेमी कमर्शियल प्लॉट सेक्टर 18 के अंदर, जिसमें 90 स्क्वायर मीटर से साइज स्टार्ट होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सेक्टर 18 का रोड है, जो मेन सेक्टर रोड है, और साइड में ये सारा जो लोकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे सेमी कमर्शियल प्लॉट्स आएंगे। बेसिकली सेमी कमर्शियल प्लॉट से मेरा मतलब है कि नीचे उसमें आप कोई भी शॉप खोल सकते हैं, ऊपर घर बना सकते हैं उस तरह से। तो साइजेस की अगर मैं बात करूँ तो 90 स्क्वायर मीटर से स्टार्ट होके 140, 200 मल्टीपल में, मतलब वो अलग 500 तक चले जाएंगे, तो उस तरह से रहेंगे यहाँ पे बेसिकली। तो कुछ ये डेवलपमेंट है अभी आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो 12,000 से लेके 15,000 तक यहाँ पे प्राइस रेंज चली जाती है सेमी कमर्शियल प्लॉट की। साइज़ जैसे मैंने आपको बताया 90 स्क्वायर मीटर से स्टार्ट होके 500 स्क्वायर मीटर तक चले जाते हैं, तो मल्टीपल में है वो, तो वो इसका है। और अभी पीछे आप अपडेट देख ही रहे हैं पूरा, ये कुछ स्टेटस है यहाँ का। मेन ये क्या है, पीछे आप देखेंगे ना तो पीछे वो आपको हाईरेज दिख रहा होगा, वो सामने पूरा उधर यमुना एक्सप्रेसवे है, और एंटर करते ही सेक्टर में लेफ्ट साइड में ये प्लॉटिंग की पूरी साइट है सेमी कमर्शियल की, लेफ्ट और बेसिकली राइट दोनों ही साइड है सेमी कमर्शियल स्टार्टिंग में सेक्टर 18 का ये। तो ये सामने आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे है ऊपर, और यमुना एक्सप्रेसवे से आप देखते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है फिल्म सिटी का, तो दोस्तों मैं आ गया हूँ सेक्टर 21 यमुना एक्सप्रेसवे पर, जो येड़ा का सेक्टर है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सारा पूरा 780 एकड़ में पीछे फिल्म सिटी बनना है जो आने वाले टाइम में आएगा। फिल्म सिटी का पूरा ये लैंड पैच रहेगा 780 एकड़ में। सेक्टर 21 बेसिकली पूरा का पूरा फिल्म सिटी को ही डेडिकेटेड है, सारा ही उसमें फिल्म सिटी रहेगा। और अभी यहाँ पे एज सच कंस्ट्रक्शन तो कुछ नहीं है, और रोड्स वगैरह का ज़रूर मेरे को कंस्ट्रक्शन दिखा है। रोड आप देख सकते हो मेरे पीछे, रोड्स वगैरह बन चुके हैं सेक्टर, ये जो सेक्टर रोड है ये बेसिकली, और इधर मेरे पीछे भी ये बन रहा है सेक्टर रोड पूरा। सो कनेक्टिविटी वगैरह की चीज़ें बन रही हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट चल रहा है। और पीछे मेरे यमुना एक्सप्रेसवे है। तो ये अपडेट है फिल्म सिटी का। तो अभी मैं आ गया हूँ दोस्तों सेक्टर 20 के पॉकेट ओ में, और ये मेरे आसपास जो भी आप पॉकेट देख रहे हैं ओ है, देन फिर इधर की तरफ क्यू है, और ये पीछे मेरे एम पॉकेट पड़ता है। अभी यहाँ का जो स्टेटस अपडेट है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्किंग वगैरह हो गई हैं, स्ट्रीट लाइट के ऑलरेडी टावर्स लग गए हैं, ये कुछ स्टेटस है इसका अभी।
इधर आप देखेंगे रोड्स वगैरह ऑलरेडी बन चुके हैं सेक्टर 20 के अंदर पॉकेट्स में, और ये माकिन के पिलर्स लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, सीवर वगैरह का, नाली वगैरह का ऑलरेडी काम हो गया है। और ये आप मेरे सामने देख रहे हैं जेसीबी वगैरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड्स वगैरह का, उधर वाटर टैंक का। ये एन पॉकेट है सामने सेक्टर 20 का। स्ट्रीट लाइट के पिलर्स ऑलरेडी लग चुके हैं। और दोस्तों अगर मैं अभी यहाँ का प्राइस रेंज आपको बताऊँ तो अभी करेंटली यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है सेक्टर 20 के अंदर वो 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट से अवेलेबिलिटी स्टार्ट है यहाँ पे, और जो प्राइस रेंज है उसकी वो करीब 18,000 से लेके 22,000 तक चली जाती है, डिपेंड करता है प्लॉट के लोकेशन के ऊपर। तो करेंटली यहाँ का ये प्राइस है, और बाकी यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो मिनिमम 300 स्क्वायर मीटर है, देन फिर उसके बाद 500, 1000, 2000, तो मल्टीपल्स में अवेलेबिलिटी मिल जाती है आपको। तो ये दोस्तों आपने टूर देखा यमुना एक्सप्रेस वे का अलग अलग सेक्टर्स का, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, नीचे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बाकी कोई भी क्वेरी हो आपकी तो अभी स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आपको, किसी तरह की एडवाइस चाहिए तो मुझे कॉल कर लीजिए, साथ में कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कोई भी क्वेरी है आपकी या कोई क्वेश्चन है आपका। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी नई प्रोजेक्ट पे, नई लोकेशन पे। तब तक अपना ध्यान रखिए, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो अपना, अपनी फैमिली का जरूर से ध्यान रखिए। टेक केयर।